सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 मई 2021 रविवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 2 मई 2021 दिन रविवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक दोपहर 2:50 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की सप्तमी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 8:59 तक चलेगा और इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शाधि नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रात्रि के 1:47 से लेकर ठीक रात्रि के 11:25 तक चलेगा और इसके उपरांत शुभ नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:56 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक शाम के 6:50 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 12:39 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 11:37 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा धनु राशि इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा जो कि यह ठीक दोपहर 2:46 तक चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय यानी अभिचित मुहूर्त की बात करें तो यह ठीक सुबह के 11:58 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:14 से लेकर ठीक 6:51 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है परंतु नजरिए का नहीं। देर से बनो पर जरूर खुश बनो क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाते हैं। दोबारा गर्म की चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं रहता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या सम्मान या फिर धोखा। चलिए अब बात करते हैं आपकी डेली राशिफल की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपकी डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। आप किसी बड़ी खरीद पर विचार कर सकती हैं, जैसे कोई गहना या कोई अन्य कीमती सामान। निर्णय लेते समय सावधानी बरतें, अपने निजी वित्त को संतुलित करने की कोशिश करें। एक रिश्ता अब दूसरी लेवल पर जा सकता है, हम आपको बताना चाहेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। संचार के विभिन्न तरीके आप व्यस्त रखेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, अन्यथा आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। हम किसी गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, गलत इंसान के लिए रो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है,
हमारी गलतियां हमें सही इंसान तक पहुंचाने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर और बिजनेस की बात करते हैं। धन संबंधित मामलों या निवेश के लिए पिता या कंसल्टेंट की राय लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। हम आपको बताना चाहेंगे, आप बुजुर्गों की सलाह लें और उसका सम्मान करें ताकि किसी भी समस्या से आप बच पाएंगे। आपके सितारे बता रहे हैं कि अभी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए सराहना प्राप्त होगी। अपने कीमती सामान या पैसे की हिफाजत करें क्योंकि आज धन की हानि होने की संभावना है। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके विचारों में अस्पष्टता के कारण आपका जीवन रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा समय है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाएं, इसके बाद प्रयास करें क्योंकि प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए मार्केट प्लान को समझें, अच्छा करें, इससे आपके साथ अच्छा ही होगा। चलिए अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं। आपके विचार सबसे अलग हैं, लेकिन आपकी बातें लोगों को हर्ट कर सकती है, इसलिए आप सोच समझ कर बात करना वो अपने जीवन साथी को समझना आपके जीवन में बाहर ले आएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, पहले से प्लान कोई यात्रा रद्द हो सकती है, ऐसे में पार्क की शेयर भी आप दोनों को आनंदित कर सकती है। आपको ध्यान रखना है अपने दिल की बातों को बताने के लिए आज का दिन सबसे शुभ है। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और सच्चे दिल से जय सूर्य महाराज जरूर लिख दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।